गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट्स का आंसर देखेंगे। आज के वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा, वे सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें जरूर याद कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, नन ऑफ दिस। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या टेंशन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, आपको बताना है नेचर में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन है। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका आंसर होगा वह न्यूक्लियर फोर्स है, जो सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल फोर्सेज इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स, इसमें कौन सा फंडामेंटल फोर्स है जिसे सबसे स्ट्रांगेस्ट माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट, इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट है आपको बताना है। फंडामेंटल यूनिट आपका ऑप्शन दिया गया है लेंथ, फोर्स, टाइम। सेकंड है लेंथ, मास एंड टाइम, एंड थर्ड है मास, वॉल्यूम, हाइट, एंड फोर्थ है मास, वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो आपका आंसर होगा लेंथ, मास एंड टाइम, ऑप्शन टू विल बी राइट। आपका ऑप्शन टू राइट होगा, लेंथ, मास एंड टाइम इज अ फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन फर्मी इक्वल टू, आपको वन फर्मी का नाम मान बताना है। तो इसे आप याद कर जाएंगे, वन फर्मी इक्वल टू 10^-15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, 10^-15, वन फर्मी इक्वल टू 10^-15 मीटर, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, वन न्यूटन कितने डाइन के इक्विवेलेंट होता है ये बताना है। ऑप्शन है 10^4 डाइन, 10^5 डाइन, 10^6 डाइन, 10^7 डाइन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद कर जाएंगे डी, 10^7 डाइन होता है वन न्यूटन इक्वल टू, सॉरी 10^5 होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है अगला, एक माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन का वैल्यू क्या होता है ये बताना है। वन माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वन माइक्रोन का मान होता है 10^-6 मीटर, ऑप्शन आपका सी सही होगा, 10^-6 मीटर। नेक्स्ट है,
1 AMU इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है ये बताना है। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10^27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर का वैल्यू बताना है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर। 10^-9 ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 10^-9। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्वलेंट टू, जूल जो है वर्क का यूनिट है और आपको बताना है 1 जूल इक्वल टू कितना होता है। तो 1 जूल इक्वल होता है 10^7 ऑर्ग होता है। ऑप्शन डी राइट होगा, 10^7 ऑर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10^7 ऑर्ग। अगला है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, आपको 1 लाइट ईयर का वैल्यू बताना है। इसे याद कर जाएंगे, 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10^15 मीटर। ऑप्शन ए राइट होगा, 9.46 इंटू 10^15 मीटर लाइट ईयर हो गया। नेक्स्ट है, 1 पारसेक इक्वल टू, आपको 1 पारसेक का वैल्यू बताना है। तो 1 पारसेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10^16 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1 पारसेक का वैल्यू है 3.08 इंटू 10^16 मीटर, 1 पारसेक का वैल्यू हुआ। नेक्स्ट है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, आपको 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू बताना है। तो आपको याद कर लेना है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर, 10^-10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 एंगस्ट्रम 10^-10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। तो पारसेक किसका यूनिट है आपको बताना है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ, तो योर आंसर विल बी डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेंथ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, आपको एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बताना है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सी इज द राइट आंसर, डी इज नॉट राइट आंसर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो गया। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का यूनिट बताना है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट हो गया आपका। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज, आपको मैग्नेटिक मोमेंटम का यूनिट बताना है। तो याद कर जाएं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक मोमेंटम इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इफ इनर्सिया इज, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इफ इनर्सिया इज, तो आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा केजी मीटर। मोमेंटम का आपको यूनिट बताना है, इस इफ इनर्सिया इज केजी मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यहाँ आपके 20% कंप्लीट हो जाते हैं। आप 20% को अच्छे से याद कीजिए, फिर अगले वीडियो में बाकी चैप्टर के प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।